हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से, और आज से मैं एक स्पेशल सीरीज बनाने जा रहा हूं, और वो सीरीज है पजल का। मैं अब आपको रोज एक पजल देने वाला हूं, और उस पजल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड के अंदर आपको कमेंट करके बताना होगा कि इसका आंसर क्या है। पर अगर आप 30 सेकेंड के अंदर नहीं बता पाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसके बाद मैं उसका आंसर भी बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि वो आंसर कैसे आ रहा है। तो ये जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस तरह के वीडियो रोज आएंगे। तो चलिए आज का पजल स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये पजल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आपको ये पजल को सॉल्व करना है 30 सेकेंड में, और अगर आप 30 सेकंड से पहले जो है सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। तो अब आपका समय स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, फटाफट सॉल्व करें और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते रहें। चलिए दोस्तों, आप समय खत्म होता है। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा। पर अगर किसी कारण से आप नहीं सॉल्व कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूं। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आप ये 5, 6, 2 और 8 इसको देख के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहां पर अगर आप केवल लास्ट जो डिजिट है उसको अगर देखें और लास्ट डिजिट का क्यूब करें तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है। अगर 2 का अगर आप क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर 5 का आप क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 125, ठीक है। तो 125 का लास्ट डिजिट क्या है, 5, तो यहां पर 5 है। उसके बाद आप 4 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64, ठीक है। तो यहां पर इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। उसी तरह अगर आप 7 को क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 7 7 जा 49, और 49 को अगेन आप अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका जो यहां पर यूनिट डिजिट आएगा 9 7 जा 63, तो 3 आएगा। तो उसी तरह अगर 9 को अगर आप क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 9 9 जा 81, और फिर उसको 9 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो आपका लास्ट का डिजिट आएगा वो 9 1 जा 9 ही आएगा। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, 9 होगा। तो दोस्तों, ये पजल था। आई होप कि ये जो पजल है आप इंजॉय किए होंगे। यहां पर मैं जितना भी पजल लेके आऊंगा वो बिल्कुल ओरिजिनल पजल्स है जो मैंने खुद बनाया है। तो दोस्तों, आई होप कि इस पजल को आपने इंजॉय किया होगा। अगर ये पजल अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।